अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियाँ जमील अहमद। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लर्निंग की, और इंग्लिश लर्निंग स्किल आप किस तरह डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले प्रोग्राम के अंदर हमने एक आपको ओरिएंटेशन दी थी इंग्लिश स्किल्स के हवाले से, कि इंग्लिश स्किल को सीखने के लिए आपको कौन कौन सी अदर स्किल्स की ज़रूरत है, जिसके साथ आप इंग्लिश जो अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, आप अपनी 4 स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देते हैं कि इससे पहले प्रोग्राम के अंदर हमने आपको बताया था कि जो आपकी इंग्लिश है, जिसको आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, उसको बोलने का, उसको सुनने का, उसको राइट करने का और पोर राइडिंग को आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 मेजर स्किल्स का होना आपके पास ज़रूरी है। सबसे पहले है आपकी स्पीकिंग स्किल, देन सेकंड आपकी लिसनिंग स्किल, थर्ड आपकी रीडिंग स्किल एंड फोर्थ आपकी राइटिंग स्किल। जब आप 4 स्किल्स को बढ़ा लेते हैं, 4 स्किल्स को इन्हेंस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश खुद ही बेहतर हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम अगर बात करें तो शायद कुछ लोग इस बात के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, दे रियली खामसेस, दे रियली वो स्ट्रेस देते हैं इस बात के पे आप अपने एक्सेंट को बेहतर करें, आप अपनी प्रोनाउंसिएशंस को बेहतर करें। तो नो डाउट एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन को आप बेहतर कर लेंगे, बट इसके अंदर आप आर्टिफिशियल चीज़ों को लेके ना आए, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को बना के बोलेंगे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू से समथिंग, के आपका एक्सेंट जो है किसी फॉरेन पर्सन के एक्सेंट की तरह हो जाए, तो ये हो जाएगा। इसके ऊपर आपको इतना स्ट्रेस नहीं देना, बल्कि आपको लर्निंग के ऊपर स्ट्रेस देना है। जब आपके पास लर्निंग आ जाएगी तो डेफिनेटली एक्सेंट खुद ही डेवलप हो जाएगा। तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने एक्सेंट को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लर्निंग स्किल के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, उसके साथ इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं होते, बल्कि पैशनेट वो अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के ऊपर होते हैं। तो नो डाउट प्रोनाउंसिएशन स्किल आपको इन्हेंस करनी चाहिए, बट उससे पहले आपको अपनी वो 4 स्किल्स को इन्हेंस करना है। वो 4 स्किल्स इन्हेंस हो जाएंगी तो डेफिनेटली यू विल बी एबल्स टू स्पीक रियली वेल, एफिशिएंटली, प्रॉपरली, एक्यूरेटली। यू विल बी एबल्स टू लर्न, रीड, राइट, एंड यू विल बी एबल्स टू कम्प्रीहेंड रियली वेल। सो इन मेजर 4 स्किल्स के बारे में भी हम डिफरेंट सेगमेंटेशंस के अंदर आपको बताएंगे। 4 मेजर कंपोनेंट, हम उन 4 मेजर कंपोनेंट के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहले स्पीकिंग स्किल है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम बात कर लेते हैं स्पीकिंग स्किल्स की। इसके साथ हम मज़ीद 3 प्रोग्राम और बनाएंगे, जिसके अंदर हम आपको लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के हवाले से भी बताएंगे कि लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को आप किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी को किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो हम इंग्लिश की बात करें तो जो इंग्लिश लर्निंग है, ये इन दीज डेज इज़ रियली नेसेसरी। चाहे आपकी ये नेटिव लैंग्वेज है, चाहे आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश को ठीक से बोलना, इंग्लिश को ठीक से समझना, उसको ठीक से रीड करना, उसको ठीक से राइट करना, इट इज़ रियली नेसेसरी नाउअडेज, बिकॉज इसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप अराउंड द ग्लोब जो है अपने आप को कम्पीट कर सको। जैसा कि आपको पता है कि नाउअडेज वर्ल्ड बिकेम लाइक अ ग्लोबल विलेज, आपको कहीं भी पेनिट्रेट करना पड़ सकता है, कहीं भी माइग्रेट करना पड़ सकता है, किसी जॉब पर्पज़ के लिए, इसके साथ साथ कहीं स्टडी पर्पज़ के लिए, कहीं आप विजिट पे जा रहे हैं, कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग पे जा रहे हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स ठीक नहीं होंगी, जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दिस 4 स्किल्स अगर आपकी ठीक नहीं होंगी, तो डेफिनेटली आपको एम्बेरसमेंट होगी, आपको पेज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जो कि डेफिनेटली आप किसी मीटिंग के अंदर हैं, आप किसी सेमिनार के अंदर हैं, आप किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं, तो वहाँ पे अगर आप अपने साथ पेज रखेंगे तो आपकी कैपेबिलिटी को डीमोटलाइज कर देगा। अदर पर्सन के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगी कि दिस पर्सन इज़ नॉट एबल्स टू मैनेज द स्टफ वेल, कि ये पर्सन तो अच्छे से स्पीक नहीं कर सकता, अच्छे से रीड नहीं कर सकता, अच्छे से राइट नहीं कर सकता, जो हम इसके साथ बात कर रहे हैं उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा, उसको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली एक एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ जाता है। बट आई मस्ट अश्योर यू कि इन 4 वीडियोज़ को देखने के बाद यू विल बी एबल्स टू स्पीक रियली वेल, यू विल बी एबल्स टू अंडरस्टैंड रियली वेल, इसके साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल भी इन्हेंस होगी, एंड यू विल बी एबल्स टू रीड वेल, यू विल बी एबल्स टू राइट वेल, यू विल बी एबल्स टू लिसन
एंड कम्प्रीहेंड एंड आल्सो प्रॉपर रिस्पॉन्ड इफ़ सम पर्सन टॉक टू यू इन इंग्लिश, कि अगर आपके साथ कोई इंग्लिश में बातचीत करता है तो आप उसको एफिशिएंटली प्रॉपरली विद प्रोएक्टिव अप्रोचेस के साथ आप किस तरह इस तरह की मेजरमेंट्स ले सकते हैं कि जिससे आप इंग्लिश को सीख भी सकते हैं, कम्प्रीहेंड भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, तो राइट भी कर सकते हैं। तो जी चलते हैं सबसे पहले पहली स्किल्स की तरफ जो कि है स्पीकिंग स्किल। तो स्पीकिंग स्किल्स के लिए 3-4 मेजर और स्किल्स का होना आपके पास ज़रूरी है ताकि आप स्पीकिंग स्किल को इन्हेंस कर सकें। सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वर्ड्स का कनेक्शन जो है, जो कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ड है, वो ब्रेक हो जाएगी, वो शैटर्ड हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज जब आप मेमरिंग करते हो या जब आप का कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है, जब आपके अंदर पजल्स क्रिएट होते हैं, तो कनेक्टिव ऑफ द वर्ड या कनेक्शन ऑफ द वर्ड या रिदम ऑफ द वर्ड या कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ड वो ख़त्म हो जाती है। तो जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो आप ऐसे बोलते हो, आई ट्राई माई बेस्ट टू डू समथिंग, सो दिस इज़ नॉट रियली कनेक्शन ऑफ द वर्ड रियली वेल, कि आप एक सेंटेंसेस को प्रनाउंस करने की तो कोशिश कर रहे हो बट उसको एक्यूरेटली या प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो अगले पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपने किसी आप सेमिनार के अंदर है, किसी मीटिंग के अंदर है, तो डेफिनेटली मोस्ट एफिशिएंट इज़ योर टाइम। हर बंदा कोशिश करता है कि वो अपने टाइम को बचा सके ताकि हर चीज़ जो है वो बेहतर वे में क्विकली या प्रॉपरली हो सके। तो वहाँ पे आपको चीज़ों को क्विकली प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा तो आपकी मेमोरी, आपके पजल्स, ये सब ओवरकम हो जाएंगे। और जब आपके अंदर पजल्स क्रिएट नहीं होगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जैसा कि एक वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स टू किल योर पजल्स ऑफ द लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी के पजल्स को मारने के लिए कॉन्फिडेंस वन ऑफ द गुड फैक्टर है आपकी लाइफ के अंदर होना। सेकेंड, हम अगर बात करें तो वोकैबुलरी ऑफ द वर्ड है। आज के दौर की हम बात करें तो शायद हम वोकैबुलरी ऑफ वर्ड से थोड़ा अपार्ट होते जा रहे हैं, थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो वोकैबुलरी ऑफ द वर्ड, वोकैबुलरी का लाइफ में होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अल्फाज का होना। तो एक दिन में अगर आप 3-4 अल्फाज भी सीखते हैं तो एक मंथ के ऊपर, मंथ के अंदर आपके पास एम्पल ऑफ द वर्ड हो जाते हैं कि जिससे आप कोई कनेक्शन ऑफ द वर्ड बना सको, कोई सेंटेंस बना सको, सेंटेंसेस बना सको, कोई पैराग्राफ बना सको कि जिससे आप बोल सको। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे की बात करें, किसी रिपोर्ट राइटिंग की बात करें जिसको आप लिख रहे हैं, तो आपके पास अगर कनेक्शन ऑफ द वर्ड्स होंगे, अगर आपके पास स्टोरेज ऑफ द इन्वेंटरी ऑफ द वर्ड्स होंगे, तो आप उसको एफिशिएंटली एक पैराग्राफ बना सकोगे, एक ऐसे बना सकोगे, उसके साथ साथ आप उसको एक सेंटेंस बना सकोगे और ईजिली प्रॉपरली और एफिशिएंटली एक्यूरेटली आप उसको प्रनाउंस भी कर सकते हो किसी के सामने। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ योर कॉन्फिडेंस, सेकंड फैक्टर आपके पास इन्वेंटरी ऑफ द वर्ड होनी चाहिए, और थर्ड फैक्टर उन इन्वेंटरी वर्ड को आपने राइट वे में स्पेल करना है, उस राइट वे में आपने बोलना है। बिकॉज देखिए, कुछ वोकैबुलरीज जो आपके पास हैं, अगर आप उसको ठीक से प्रनाउंस नहीं कर पाओगे, आपकी प्रनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी, तो अगला बंदा उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाएगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड या वर्नैकुलर या डायलैक्ट ऑफ द वर्ड, ये भी तो ठीक होना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए क्या ज़रूरी है, डिफरेंट आपको वीडियोज़ मिल जाती है, अभी तो गूगल इतनी एफिशिएंट हो गया, गूगल के अंदर कोई वर्ड लिखें और उसकी आप डायलैक्ट या प्रनाउंसिएशन उसके साथ लिखें तो वो आपको स्पीक करके बताता है। अगर आप रिपीटेशन ऑफ द वर्ड करते हैं, उसकी रिहर्सल करते हैं, तो आपका एक्सेंट भी बेहतर हो जाता है, एक्सेंट भी डेवलप होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी प्रनाउंसिएशन स्किल्स भी डेवलप होती है। जब आपको पता चल जाता है कि ये वर्ड किस वे के अंदर बोलना है, इससे पहले एक वीडियोज़ के अंदर हमने कुछ वर्ड्स के बारे में आपको बताया भी था कि वो वर्ड को किस तरह प्रनाउंस करते हैं। इसके साथ साथ हम इस एक वीडियो आपके लिए ये भी बनाएंगे जिसके अंदर हम जो कॉमनली स्पीकिंग ऑफ द वर्ड्स हैं उनको आपके सामने प्रनाउंस करके बताएंगे कि वो किस तरह प्रनाउंस करते हैं। जैसा कि हम कुछ वर्ड्स की बात करें, जिस तरह आप एक वर्ड को बोलते हैं कंपनी, तो कंपनी इज़ नॉट द वर्ड, आप किसी के सामने कंपनी बोलेंगे तो शायद मे बी इज़ नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि ये वर्ड क्या है। तो वर्ड इज़ कंपनी, 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 तो आप अगर कंपनी बोलेंगे तो डेफिनेटली अदर पर्सन इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। उसके बाद एक और वर्ड है
अल्टरनेरी। तो दिस इज नॉट द टू वर्ड, जब आप वर्ड को सप्लिट करोगे तो मे बी उसका जो मीनिंग है, उसकी जो सेंस है वो चेंज हो जाएगी, वो अल्टर हो जाएगी। तो वर्ड को एक साथ बोला है आपने अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। जब आप उस थोड़ा क्विकली और प्रॉपरली बोलोगे तो आप उसको बोलोगे अल्टरनेटिव। इसके बाद थर्ड वर्ड है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी। सो इट्स लाइक अ थ्री वर्ड, सो इज नॉट थ्री वर्ड, इज ओनली वन वर्ड दैट कॉल इज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी। सो अगर आप किसी फॉरनर पर्सन के सामने ही वर्ड बोलते हैं तो जब आप कुछ स्प्लिट कर देंगे तो मे बी सेंस उसकी चेंज हो जाएगी, तो अदर पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इस तरह कुछ और कॉमनली वर्ड है जिसमें एक वर्ड है वैरायटी, वैरायटी। स्पेशली एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो शायद वो इसको ठीक वे में नहीं प्रोनाउंस कर पाते, वो उसको बोलते हैं वैरायटी, वैरायटी, वैरायटी। सो वैरायटी इज़ नॉट द वर्ड, वर्ड इज वैरायटी, वर्ड इज वैरायटी। सो अगर आप वैरायटी बोलते हैं तो अदर पर्सन, स्पेशली द फॉरेन कंट्री पर्सन है, वो उसको कंप्रीहेंड ईजिली कर पाएगा कि आप वर्ड को एक्यूरेटली, प्रॉपरली और एक्यूरेटली स्पेल कर रहे हो, स्पीक कर रहे हो और प्रोनाउंस कर रहे हो। तो फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट आपका कॉन्फिडेंस, सेकंड इन्वेंटरी ऑफ द वर्ड, एंड थर्ड इज आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल, एंड फोर्थ इज आपकी रिहर्सल। सो रिहर्सल आपके लिए ज़रूरी है। आज की हम यूथ या यंग जनरेशन की बात करें तो रिहर्सल से थोड़ा दूर भागते हैं, शायद वो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं गेम्स के ऊपर, टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल या चिट चैट के ऊपर। लेकिन आपको अपने लिए लाइफ के अंदर टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में हाफ एन आवर भी अपने लिए निकाल लेते हैं, उस हाफ एन आवर में आप रिहर्सल करते हैं, किसी फॉरेन पर्सन के साथ बात करते हैं, या आजकल तो गूगल्स के अंदर भी या इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप अगर बात करना चाहें तो आप किसी एप्लीकेशन में, किसी सॉफ्टवेयर से भी आप इजीली हाफ एन आवर के लिए बात कर सकते हैं, जिसमें आप अपने वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे और एप्लीकेशन आपको बताएगी कि आप वर्ड को प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, अगर ठीक नहीं करें तो उसको ठीक वे में प्रोनाउंस करें। उसके साथ साथ आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो मिरर इज़ वन ऑफ योर गुड फ्रेंड। बहुत सारे लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस और अपनी स्किल डेवलप की मिरर के सामने खड़े होके, तो मिरर इज़ वन ऑफ योर गुड फ्रेंड। अगर मिरर के सामने बैठ के भी आप चीज़ों को एक्यूरेटली और प्रॉपरली करेंगे तो डेफिनेटली मिरर भी आपको एक अच्छा और प्रॉपर रिजल्ट देगा। तो इसके सामने भी खड़े होके आप रिहर्सल कर सकते हो। उसके साथ साथ आप different TV channel, different program, different newspaper, इसके अंदर भी different skills आती हैं, या YouTube के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी videos मिल जाती हैं, including मैंने भी इसके ऊपर बहुत सारी videos बनाई हुई है कि जिसमें जो English को right way में और pronounce करने के हवाले से ये चीज़ें भी आपके सामने share की गई हैं, ताकि आपके ब्रेन में कुछ इस तरह पजल्स ना हो। तो अपने ऊपर बिलीव रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आप इस काम को कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है अपना बहुत सारा पैसा भी ज़ाया करते हैं स्पीकिंग स्किल को इन्हेंस करने के लिए। तो आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब के अंदर फ्री वीडियोस बना रहे हैं और आपको स्किल्स सिखा रहे हैं ताकि उन स्किल्स को आप इन्हेंस कर सकें। और उसके अलावा बहुत सारी सस्ती बुक्स भी मिल जाती हैं बाज़ार के अंदर, जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आप डिफरेंट इन्वेंटरी ऑफ द वर्ड्स हैं, वर्ड का ज़खीरा कर सकते हैं अपने ब्रेन के अंदर, और फिर आप उसको कनेक्शन कर सकते हो, उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर सके, क्योंकि ये एक तरह की एजुकेशन है और एजुकेशन को फ्री लोगों तक पहुंचाना ये भी एक तरह की गुडनेस है, ये भी गुड साइन है, ये भी एक अच्छा काम है। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ लेके आएंगे अदर थ्री स्किल्स के हवाले से। तो अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान मियाँ जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।